Assalamu alaikum and welcome to Sirsaya Children's Academy English Literature class of grade 8. This is your lecture number 1 and I'm your teacher, Miss Sabha. Dear students, as you know, we all are facing the pandemic situation again. So we decided to move on to the digital classes like before. So let's start your first lecture of literature. So, class, here you have your reading comprehension number 3 that is, Chasing Dreams matlab apne ko karna chasing dreams Jamil entered the courtyard in front of the shabby mud house walked lazily and collapsed on the charpai in the middle of the yard under the cool moonlit sky looking at Jamil, his father kept his cup of tea on the table and dragged his charpai close to him and asked What's the द मैटर सन यू सीम No, father. नो फादर एवरीथिंग इज फाइन यू डोंट सीम ओके लेट्स देन वी विल टॉक अबाउट इट जमील एक खस्ता हाल मट्टी से बने घर के सामने सहन में आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए दाखिल हुआ और ठंडी चांदनी में डूबे आसमान के नीचे सहन के दरमियान पड़ी चारपाई पर निढाल गिर गया जमील को देखते हुए उसके वालिद ने चाय के कप को मेज़ पर रखा और अपनी चारपाई उसके करीब की और पूछा क्या बात है बेटा तुम परेशान नजर आ रहे हो जमील ने जवाब दिया कुछ नहीं अबू सब ठीक है जमील के वालिद ने कहा तुम ठीक नज़र नहीं आते पहले खाना खाते हैं फिर हम इस बारे में बात करेंगे जमील्स मदर एंड आंट Sadhuri, an old family friend, came out of the kitchen with a tray of food and a jug full of water. His sister Sara and brother Khalid picked the table and brought it close to their charpai. Everybody sat around the table and started eating. Jamil did not move. His father asked him to get up and have dinner. Reluctantly, he got up and started. ईटिंग एवरीबडी नोटिस दैट जमील वॉज अपसे कास्ट साइड लॉन्ग लुक्स एट हेम वाइल ईटिंग बट डिट नाट से एनी थिंग जमील की माँ और सदूरी खाला खानदान की एक पुरानी दोस्त खाने की ट्रे और पानी से भरे जग के साथ बावर्ची खाने से निकली उसकी बहन सारा और भाई खालिद ने मेज़ उठाया और उनकी चारपाई के करीब ले आए हर कोई मेज़ के गिरद बैठ गया और खाना शुरू कर दिया जमील ने कोई हरकत ना की उसके वालिद ने उसे उठने और खाना खाने को कहा ना चाहते हुए वो उठा और खाना शुरू कर दिया हर एक ने मुशाहिदा किया कि जमील परेशान है उन्होंने खाना खाते हुए उसे तिरछी नज़रों से देखा मगर कुछ ना कहा As soon as they had finished eating and the dishes had been taken away to the kitchen, his mother asked, "Has your result been announced, Jamil? What grade did you get?" In a sad tone, he informed everyone that he had achieved a good grade. So why are you sad? Has Sara passed? Asked his father. Yes, in fact, Sara has got more marks than me. Why didn't you tell me before? I was so worried. Sara complained. Sorry, Sara. I was preoccupied with my own thoughts about the future. You see, you don't have to worry about your career the same way that I do. जैसे ही उन्होंने खाना खत्म किया और बर्तन बावर्ची खाने में ले गए तो उसकी माँ ने पूछा क्या तुम्हारे नतीजे का ऐलान हो गया है तुमने कौन सा ग्रेड हासिल किया है अफसरद आवाज़ में उसने सबको को किया कि उसने अच्छा ग्रेड हासिल किया है तो फिर तुम उदास क्यों हो क्या सारा पास हो गई है उसके वालद ने पूछा जी हाँ दरअसल सारा ने मुझसे ज़्यादा मार्क्स लिए हैं आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया मैं बहुत परेशान थी सारा ने शिकायत की माफ़ करना सारा मैं मुस्तबिल के बारे में अपनी ही सोचों में मगन था देखो तुम्हें अपने करियर के बारे में इस तरह परेशान नहीं होना पड़ता जिस तरह मैं परेशान होता हूँ वट डू यू मीन खालिद इंटरप्टेड शी इज अ गर्ल शी हैव टू वरी अबाउट सपोर्टिंग हर फैमिली ओनली मैन हैव टू वरी अबाउट अर्निंग फॉर द फैमिलीज जमील कमेंटेड कम ऑन जमील वी डोंट गेट एजुकेशन ओनली फॉर अर्निंग मनी We do it for improving ourselves and both males and females need it equally. Our Prophet ﷺ has said that seeking knowledge is obligatory for every male and female. Khalid explained. Jameel felt ashamed. Yes, you're right, I agree with you. Kya Khalid So Jameel said, ये एक लड़की है इसको अपने ख़ानदान को पालने के लिए परेशान होना नहीं पड़ता सिर्फ़ मर्दों को अपने ख़ानदान के लिए कमाने के लिए परेशान होना पड़ता है जमील ने तबसरा किया ओ oh जमील हम सिर्फ़ कमाने के लिए तालीम हासिल नहीं करते हम ऐसा करते हैं अपनी ज़ात को बेहतर बनाने के लिए और मर्द और औरत और 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 तो दोनों को मसावी तौर पर इसकी ज़रूरत होती है हमारे नबी अलैहि वसल्लम ने कहा है कि तालीम हासिल करना हर मर्द वो औरत पर फ़र्ज़ है खालद ने वजात की जमील ने शर्मिंदगी महसूस की हाँ आप सही कह रहे हैं मैं आपसे मुतफक हूँ आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड वाई यू आर सो वर्ड कमेंटेड फादर फादर देयर इज़ नो कॉलेज इन आर विलेज और एनी अदर विलेज अराउंड आर्स द ओनली कॉलेज वेयर आई कैन गो इज़ फिफ्टी माइल्स अवे इन दिटी इट्सम्स इम्पॉसिबल that i can continue my studies although i had dreamed that i would become a doctor and open a hospital here for the villagers as they cannot afford to go to the city hospital remember how uncle sarmath died last year only because he could not be taken to the hospital on time jamil said. his mother quoted a sindhi couplet which meant where there is a will there is a way. Distances are to be covered," she then said. "We can ask Allah, bachayo, to take you to the city in his horse cart." Aunt Saduri, who had been listening to the whole conversation, said, "I have a suggestion. You people have done so much for me. I think now it's my turn to return the favor. Jamil and Sara can easily come and live with me in the city and study in the college. Really?" Can I really go and study in the city? Sara exclaimed. Jamil can go, but Sara should stay here and help her mother, said father. मैं अब तक नहीं समझ सका कि तुम इतने परेशान क्यों हो? वालिद ने तबसरा किया। अब्बू हमारे गांव में कॉलेज नहीं और ना ही हमारे इर्द-गिर्द किसी गांव में है। कॉलेज जहां मैं जा सकता हूं पचास मील दूर शहर में है। यह नामुमकिन नजर आता है कि मैं अपनी तालीम जारी रख सकूं। हालांकि मैंने ख्वाब देखा था कि मैं डॉक्टर बनूंगा और गांव के लोगों के लिए एक अस्पताल खोलूंगा। क्योंकि वो शहर के अस्पतालों में जाने के इस्तात नहीं रखते याद है पिछले साल कैसे चचा सरमत का इंतकाल हो गया था सिर्फ़ इसलिए कि उन्हें वक्त पर अस्पताल नहीं ले जाया जा सका जमील ने कहा उसके वालदा ने एक शेर का हवाला दिया जिसके मायने थे जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है फ़ासले तय हो ही जाया करते हैं फिर उन्होंने कहा हम अल्लाह बचाओ से कह सकते हैं कि तुम्हें अपनी घोड़ा गाड़ी पर शहर ले जाया करे खाला सदूरी जो ये सारी गुफ्तगु सुन रही थी बोली मेरे पास एक तजवीज़ है आप लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया है कि मेरे ख़याल में अब मेरी बारी है कि उस एहसान का बदला दूं। जमील और सारा आसानी से मेरे साथ शहर आ सकते हैं वो शहर में रहें और कॉलेज में वहीं पढ़ें सच क्या मैं वाकई शहर में पढ़ सकती हूँ सारा ने हैरत से कहा जमील जा सकता है मगर सारा को यहाँ रुकना चाहिए और अपनी माँ की मदद करना चाहिए वालिद ने कहा सारा क्विकली वाइप द टर that had rolled down her cheek she didn't want her father to know her feelings however khalid noticed her emotions and said father don't worry about the expenses let both of them go there is a big medical college as well in our city later both of you can easily continue your studies there and fulfill your dreams continued aunt sadouri addressing jamil and sara wow i will also be a doctor and work at jamil's hospital wonderful in spite of his worries about managing finances for both of them father smiled soon both of them went to the city with aunt saduri living in the city attending college and then the medical college was not a bed of roses both siblings had to work extremely hard to pass all the exams in the first go they could not afford to fail in any subject to meet the expenses both of them gave tuitions to children in the neighborhood their parents never let them know the problems they faced during all this time in the fourth year father and khalid had to sell a big piece of fertile land to pay their fee the whole family बोर द हार्डशिप्स बिकॉज द वॉन्ट द चिल्ड्रेन टू रियलाइज़ द ड्रीम्स एंड टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ़ द वलेजर्स सारा ने जल्द ही अपने आंसू पहुँच लिए जो उसके गाल पर बह गए थे वो नहीं चाहती थी कि उसके वालद को उसकी खबर हो मगर खालिद ने उसके जज्बा का मुशाह कर लिया और कहा अबू अखराज के बारे में परेशान ना हों इन दोनों को जाने दें हमारे शहर में एक बड़ा मेडिकल कॉलेज भी है बाद में तुम दोनों आसानी से अपनी तालीम जारी रख सकते हो और अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हो खला सदूरी ने जमील और सारा को मुखातिब करते हुए बात जारी रखी वाह मैं भी डॉक्टर बनूंगी और जमील के अस्पताल में काम करूंगी। शानदार उन दोनों के लिए अखराजत पूरा करने की परेशानियों के बावजूद उनके वालद मुस्कुराए जल्द ही वो दोनों खला सदूरी के साथ शहर चले गए शहर में रहना कॉलेज में पढ़ना और फिर मेडिकल कॉलेज ये फूलों की सेज नहीं थी दोनों बहन भाइयों ने इंतहाई सख्त मेहनत की और तमाम इम्तहान को पहली ही बार में पास किया वो किसी मज़मून में फ़ेल होने की मतहमल नहीं हो सकते थे अखराज पूरा करने के लिए उन दोनों ने पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया उनके वालदेन ने इस मुद्दत के दौरान आने वाली मुश्किलात की उन्हें खबर ना होने दी चौथे साल उनके वालिद और खालिद को उनकी फीस भरने के लिए ज़रख़ेज़ ज़मीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा बेचना पड़ा पूरा ख़ानदान मुश्किल का सामना कर रहा था क्योंकि वो चाहते थे कि उनके बच्चे अपने ख्वाब पूरे करें और गांव वालों को बेहतर मुस्तबल दें उनकी बेहतरी के लिए काम करें ट्वेल्फ यर्स लेटर टू बी कंटिन्यूड सो स्टूडेंट्स वी विल स्टडी what happened to both of them after 12 years in our next lecture keep watching and keep learning with ssc official youtube channel so kindly subscribe now and press the bell icon to stay updated about your new lectures i'll see you in the next lecture till then take care and allah hafiz